ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राज्य जो हमसे बेहतर कर रहे हैं, जो बड़े क्षेत्रफल के हैं, इसलिए निश्चित रूप से वी हैव टू इन्वेस्ट लॉट मोर देन इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इज ऑब्वियसली वेरी लिट। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जो हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, निश्चित रूप से दे आर वेरी पुअर कंडीशंस। हमारी इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट इज अबाउट 38, हमारी मैटरनिटी मोर्टैलिटी रेट इज 199, सेक्स रेशियो 928 जो कि इक्वल होना चाहिए, मैलन्यूट्रिशन और जो भी टारगेट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत 2015 के लक्ष्य थे उन्हें भी हम नहीं छू पाए, और 2030 के जो लक्ष्यों को छूना है उसके रूप से हमें बहुत रिफॉर्म्स इस सेक्टर में लेकर आने पड़ेंगे। हेल्थ इंडिकेटर्स कैसे इम्प्रूव होंगे? इस निश्चित रूप से स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से तो किसी भी तरीके से ये हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव नहीं हो सकते। इनको इंप्रूव करने के लिए हमें बजटी प्रोविजंस इंक्रीज करने पड़ेंगे। दूसरा लक्ष्य जो हमारा है ओओपी, आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग, और इसको कम करने की आवश्यकता है। ये भी हमारा एक प्राथमिक गोल है। जेब से जो खर्च होता है, या तो इलाज के लिए लोग पहुंचते नहीं है, पहुंचते हैं तो अधूरा इलाज कराते हैं, या फिर इलाज के चलते आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग से गरीब हो जाते हैं। एनएसओ और एनएचए की 71st राउंड की, उसके अंदर ये कहा गया है कि अबाउट 5.5 करोड़ ओओपी के कारण बीपीएल रेखा से आ गए, गरीबी की रेखा से नीचे आ गए। तो अगर उसको कैलकुलेट करें कि हमारी 7 करोड़ है, तो अप्रॉक्सीमेटली 29 लाख लोग कैटेस्ट्रॉफिक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के कारण गरीबी रेखा में आ रहे हैं। इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। और जो IPHS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो ड्राफ्ट था 2005 में, जिसको रिवाइज किया 12 के अंदर, उस वो अभी बहुत दूर का सपना है, हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं उसकी, कोसों दूर है, 50% भी हम उसके पास उन स्टैंडर्ड्स के नहीं पहुंच पाए। और दूसरी बात, व्हाट राजस्थान इज फेसिंग एट द मोमेंट इज द डबल बर्डन डिजीज। पहले हमारी 10 में से 6 मौतें कम्युनिकेबल डिजीजेस से होती थी, और आजकल हमारी 10 में से 7 मौतें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से होती हैं। 40% डेथ्स CMNND से होती है, कम्युनिकेबल डिजीजेस, मेटर्नल डिजीजेस, न्यूनेटल न्यूट्रिशन डिजीजेस। 11% डेथ एक्सीडेंट और इंजरी से होती है, और रेस्ट ऑफ देम बाय नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से होती है। ये आंकड़ा बढ़ गया है, दिस इज ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण डिजीजेस को हम कहते हैं। और इनको कैसे कम कर सकते हैं? वील हैव टू फोकस, हमें हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ढांचे को मजबूत करना पड़ेगा, जो कि बहुत कमजोर है, बिल्कुल चरमरा गया है। हमारा हेल्थ सेक्टर तीन लेयर्स में बटा हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और हमें ज़रूरत है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स कॉज करें। प्राइमरी हेल्थ केयर भी 2 भागों में बटा हुआ है, हेल्थ एजुकेशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, बीमारी की रोकथाम, और उसको अगर कोई बीमारी हो जाती है, कफ कॉफ, जिस तरीके की जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जिसका उपचार मिल जाना चाहिए, वो उपचार हम दिला पाएं। ऐसा नहीं कर सकते कि नल खुला और हम पोछा लगाते जा रहे हैं, बीमारियों की रोकथाम पर हम काम करें नहीं। हमारे जितने भी ज़्यादा स्कीम्स आ रही हैं, वो सेकेंडरी और टर्शरी लेयर्स के ऊपर स्पेंडिंग कर रही हैं, और ज़रूरत है कि हम इसकी नीचे से एक डिसेंट्रलाइज योजना बनाकर लेकर आएं। आपके SMS की OPD अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख पर एनम, एम्स से भी ज़्यादा हो गई है, 6 times हमारी OPD बढ़ गई है। एक जो जुकाम और जो चीज़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अर्बन PHC में जाके देख सकते हैं, उसके लिए भी SMS की OPD पे बाहर आ रहा है। इसकी ज़रूरत है स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव के कारण, या तो दो एएनएम बैठी हैं, या PHC के ताला लगा है, यहाँ पे वहाँ पे जांच जो करनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमें ज़रूरत है, हम एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत क्लियर होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, या नीड ऑफ द आवर हो गई है, रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन, युक्ति संगत हमें रिसोर्सेज को बांटना पड़ेगा। और जब तक जमीनी स्तर से स्वास्थ्य की योजना नहीं आएगी, डिसेंट्रलाइज हेल्थ प्लानिंग नहीं होगी, हम उन हेल्थ इंडिकेटर्स को, हेल्थ के गोल्स को मीटअप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, अब इतने सारे विधायक हैं, मुझे बताइए क्या वो चलती है? बिल्कुल पंगु अवस्था में, ऑन पेपर है। इसलिए हमें इस डिसेंट्रलाइजेशन को अंदर नीचे से ऊपर उठाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और PHCs का एक और चीज़ है कि हमने अभी पॉपुलेशन के नॉर्म्स पे इन्हें कर रखा है। मुझे लगता है कि वी नीड टू चेंज दीज पॉपुलेशन नॉर्म्स, क्योंकि अलग अलग एरिया में वैसे उनके पॉपुलेशन कम कर रखी हैं, अगर हिली, डेजर्ट और चितराई हुई ढानियाँ हैं,
जैसे सीएचसी, मुझे लगता है कि 1 आवर मोटराइज डिस्टेंस होना चाहिए। अगर हार्ट अटैक हो जाता है और पहला 1 घंटा जिसे हम गोल्डन आवर कहते हैं वो अगर उसमें नहीं पहुंचता है, अगर सीएचसी 1 घंटे से दूर है, तो 2nd आवर के अंदर 50% से भी कम उसकी बचने की चांसेस होते हैं। और पीएचसी हमारे को कभी 3 किलोमीटर या फिर 1/2 आवर वॉकिंग डिस्टेंस, जहां पे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर चलकर जा सके, क्योंकि गांवों के अंदर संसाधन नहीं है, कई बार आपको पैदल जाना पड़ता है, वहां पे इतनी व्यवस्था नहीं होती। और दूसरी चीज, पीएचसी के अंदर अभी भी हमारे वो माइक्रोस्कोप से जांच होती है, जैसे 10 या 12 जांच होती होंगी, ब्लड सेल काउंटर, सेमी ऑटो एनालाइजर्स, ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जांच के लगाने चाहिए, जिससे कम से कम 35 जांच, जो आपकी यूरिया, हीमोग्लोबिन, CWC, इस तरह की जो प्राथमिक उस पर जो जांचें हैं उसको सुविधा वहीं पर मिल जाए। दूसरी बात, मैं अब आना चाहूँगी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स के ऊपर, चाहे भामाशाह हो चाहे सेंट्रल से आई, और पूर्व में आए हुए इसके बारे में बता रहे थे, मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं। जब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे तो प्राइवेट चाहे कोई भी संस्था हो, उसका अल्टीमेट मोटिव बिजनेस मोटिव प्रॉफिट मोटिव रहेगा। प्रॉफिट मोटिव मनी, और इसको कैसे साधेगा, एक्सप्लॉयटेशन। जो आज आप कहते हैं कि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, एक हमारी एक साथ हम पब्लिक हेल्थ केयर है, एक हमारी प्राइवेट हेल्थ केयर है, और जो प्राइवेट हेल्थ केयर है वो भी पब्लिक हेल्थ केयर के ऊपर ही थ्राइव कर रहा है। मैं अभी देख रही थी बहुत सारी, मालपुरा के अंदर एक APO भी किया, मंत्री महोदय के संज्ञान में होगा कि एक पकड़ा गया पर्ची देते हुए प्राइवेट के लिए। ये एक आम प्रैक्टिस है जो सबको ही जानता है, पब्लिक हेल्थ केयर में बैठे हुए डॉक्टर्स भी प्राइवेट में प्रिस्क्राइब करते हैं। और इन योजनाओं के अंदर पहले से पैकेजेस इनके तय होते हैं, और इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के अंदर ही आप सुविधा ले सकते हैं। अब मानिए आपको हार्ट अटैक ऐसी कोई ऐसी चीज हो गई दुर्लभ, जो उस पैनल में है ही नहीं, वो अब अधमरी सिचुएशन में कौन सा दूसरा हॉस्पिटल ढूंढेगा, उसको कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दी जाएगी, वो कोई मदद नहीं करेंगे, वो रात को मरता पड़ता जा रहा है, उसको क्या पता कि इसमें कौन सा पैकेज है कौन सा नहीं है। और ये जो बीमा योजनाएं हैं, ये मेनली इनमें सर्जिकल पैकेजेस हैं, और ये सेकेंडरी और टर्शरी लेयर को ही कवर करती है, ये पीएचसी के लेयर को कवर नहीं करती, और बिना इंडिकेशन के यहाँ पर ट्रीटमेंट कर देते हैं। और जना जना आम जन ये सुनता है पेट दर्द हुआ और अपेंडिक्स निकाल दिया, आप गए नहीं और बिल फाड़ा नहीं। ये एक बहुत बड़ा दरवाजा हम एक्सप्लॉयटेशन का प्राइवेटाइजेशन से खोलते हैं। दूसरी चीज, आज तक इनके पास कोई स्टडी है तो मुझे बता दें, NSO के अंदर स्टडी है, एंड आई हैव द रिपोर्ट विद मी, कि बीमा योजनाओं से कैटेस्ट्रॉफिक आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग कम नहीं हुई है। आपका 3 लाख का पैकेज है वो तो वो लेते ही लेते हैं, बट अंडर द टेबल आपकी OOP भी ले लेते हैं, इतना भार उसके ऊपर पड़ता है। और जो इम्पैक्ट पेशेंट की बॉडी पे होता है, वो सोचिए जब मानवीय संसाधन, आज ये स्वस्थ मानव ह्यूमन रिसोर्स हमारा एक एसेट है, उसको हम किस तरीके से प्राइवेटाइज हाथों में देकर इन संसाधनों को किस तरीके से हम अपने मानव ह्यूमन रिसोर्स को डिट्रॉयड कर रहे हैं। भामाशाह के अंदर खाद्य सुरक्षा से जोड़ो, फिर अपनी आइडेंटिटी प्रूव करो। मैं चुनाव से पहले बहुत सारे कैंप्स लगे थे और उनमें गई थी, आज ऑपरेशन कराना है, आज मर रहा है, वो देख रहा है कि कितना प्रतिशत उस गांव का है, खाद्य सुरक्षा उसको मिल ही नहीं पा रहा। द नीड ऑफ द अर्जेंसी इन मेडिकल इज दैट मोमेंट। इतने सारे बैरियर्स हैं, और मेरा ये मानना है कि हेल्थ केयर के अंदर यूनिवर्सल पॉलिसीज होनी चाहिए, सरल होना चाहिए, इसलिए इसको और सरल बनाने की आवश्यकता है। जो भी हमारी पॉलिसीज हम लेकर आए उसके अंदर बैरियर्स बहुत कम से कम हो। दूसरी चीज, ये लेकर आए PPP मॉडल, तो फिर मुझे प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जॉन ओलिया का शेर याद आ जाता है, इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वरना यूं तो किसी से भी किसी की भी सुनी नहीं मैंने। जब आप प्राइवेट में जाएंगे तो आपको मजबूर कर देंगे, आपको ये कराना है, ये पर्ची लिख देंगे, किस तरीके से आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। और PPP मॉडल के अंदर जितनी भी 82 PHCs और जो उसका विवरण है मैं प्रतिवेदन में पढ़ा, जो हैंडओवर करी, एंटायर हेल्थ पूरा का पूरा हम उनको हैंडओवर कर देते हैं, वी हैव नो मॉनिटरिंग सिस्टम ऑन इट, नो रेगुलेटरी सिस्टम ऑन इट। प्राइवेट एजेंसी को गवर्नमेंट सिर्फ एक फाइनेंसर बन जाती है। ये धारणा कि कभी भी गवर्नमेंट एजेंसीज की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं हो सकती, ये हमें तोड़नी पड़ेगी, या तो फिर हम सब प्राइवेटाइज कर जाते हैं, बैठ जाते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस हियर, फिर गवर्नमेंट का क्या अभिप्राय है।
स्टेट जो पब्लिक वेलफेयर के लिए सोच सकती है, ये प्राइवेटाइजेशन की धारणा कभी भी पब्लिक वेलफेयर के बारे में नहीं हो सकती, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के बारे में होती है। इनके कोई रेगुलेटरी सिस्टम्स नहीं होते। और सबसे बड़ी बात पीपी के अंदर ये होता है कि अपोलो तो कभी गांव में जाके हॉस्पिटल खोलता नहीं है, क्योंकि वहां पे परचेजिंग पावर नहीं है। आप जब इन पीपीपी को पीपी में मोड में दे देते हैं, तो ये इनके कैचमेंट एरिया की तरह काम करता है। ये वहां से पेशेंट्स को अपने हॉस्पिटल्स की तरफ ट्रांसफर करते हैं और फिर एक्सप्लॉइट करते हैं। दूसरी बात, इन सरकारी जिसके अंदर हमने प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व किया, बट मैं सिंपली प्राइवेट सेक्टर पे भी बात करना चाहूंगी। और फिर मुझे प्राइवेटाइजेशन की एक्सप्लॉइटेशन पे एक और शेयर याद आता है, वो भी आता है बताता है क्या, वो भी आता है बताता है क्या, कोई इलाज बट न जाए तेरे बीमार महालोक। क्या होता है जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ये दे रखा है कि प्रिस्क्रिप्शन कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, एंड शुड द मेडिसिन शुड बी प्रिस्क्राइब इन जेनरिक नेम्स। मेडिसिन एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, और इसके दो चीजें, एक तो अननेसेसरी अनएथिकल प्रैक्टिसेस और एक प्राइजिंग, दो चीज डील करती है। अभी मेरे से पूर्व में ये बता रहे थे, झोला छाप के बारे में बात कर रहे थे, कैसे लगाम लगाएंगे आप, क्या मॉनिटरिंग हो सकती है, क्या रेगुलेटरी हो सकती है, डिग्रीज नहीं इनके पास में। दूसरी चीज, ये पर्ची लिखते हैं, 5 मेडिसिन लगते हैं, 3 इररेलेवेंट और अननेसेसरी और इरेशनल होती है, और वो 3 सबसे महंगी होती है, कॉम्बिनेशन ड्रग बना के लेकर आ जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट गवर्नमेंट, जो कि इन्फोर्स नहीं हुआ है, इट्स ओनली ऑन पेपर, इसको इन्फोर्स कराने की हमें आवश्यकता है। बहुत जरूरी है कि एथिकल फॉर्म्स इंटरनेशनल। दूसरी चीज जो प्राइसिंग की है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी ड्रग प्राइस कंट्रोल जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट को प्राइस करती है, जो मैं कह रही थी कि 2 सबसे महंगे होते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम एसेंशियल ड्रग लिस्ट में आती है, तो 600 बना देंगे, एक कॉम्बिनेशन ड्रग करके उसको कर देंगे। इसलिए प्राइवेट सेक्टर्स और बीमा कंपनीज तो चाहते हैं कि आप बीमार हो, ज्यादा से ज्यादा बीमार हो, ताकि हम प्रॉफिट बना सकें। ये पब्लिक वेलफेयर के बारे में नहीं सोच सकते, जो कि एक स्टेट एजेंसी सोच सकती है। पॉलिसी का फर्क है, बजट तो आप भी उतना ही इंक्रीज नहीं किया, आपने भी बजट तो दोनों सरकारें हेल्थ के ऊपर इतना ही दे रही हैं। और मैं मानती हूं, और यहां पे स्वास्थ्य मंत्री जी के माध्यम से कहना चाहूंगी कि जरूरत आ गई है कि हम अपने स्टेट के मानव संसाधनों के लिए इसको इंक्रीज करें, बट कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिसी और अप्रोच का फर्क है। दूसरी बात, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर बहुत सारी पोस्ट वेकेंट है, 33,097 पैरामेडिकल, 3,305 चिकित्सकों की, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर बहुत सारी वेकेंट है। व्हाट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वुड वी लाइक टू गिव व्हेन वी आर मेकिंग डॉक्टर्स, इनको भरने की आवश्यकता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, मैं ट्रांसफर पॉलिसी पे बोलना चाहती हूँ कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी वर्कलोड बेस्ड नहीं है, नीडफुल बेस्ड नहीं है। पीएचसी के अंदर एमबीबीएस चाहिए, लेकिन हमने स्पेशलिस्ट लगा रखा है, क्यों? क्योंकि उसके घर में पीएचसी है, वो सिफारिश करके वहां पोस्टिंग करा लेता है। कम पेशेंट्स के ऊपर ज्यादा डॉक्टर हैं, ज्यादा स्टाफ है, ज्यादा पेशेंट्स पे कम डॉक्टर हैं। फर्स्ट रेफरल यूनिट्स आधी से ज्यादा हमारी फंक्शनल ही नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एनेस्थीसिया, इसका हम सेट ही नहीं बना पा रहे। अगर सिजेरियन करना है, अगर हम आईएमआर और एमएमआर को कम करना चाहते हैं, तो हमें ये करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं प्रतिवेदन को पढ़ रही थी, और बहुत से लोगों ने यहाँ कोट भी किया कि भामाशाह से इतने लाभान्वित हुए, निःशुल्क दवा योजना से इतने लाभान्वित हुए। हम तो न्यूमरेटर्स दे रहे हैं, डिनोमिनेटर्स तो हम दे ही नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल 100 लोग आए, 80 को आपने दवा दी, तो आप तो लिख देते हो कि साहब 80 को दवा दी, 80 लाभान्वित हुए, वो 100 कहाँ था, 1000 उसका आंकड़ा कहाँ गया बीच का? एंड हाउ मेनी पीपल जो आप तक रीच ही नहीं हुए, मान लिया 1000 लोग थे, 600 आए और 400 को आपने दवाई दी, 200 तो किसी कारण नहीं दे पाए, पर वो 400 का है जो आप तक पहुंच ही नहीं पाए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे उसको सुधार करेंगे? जनता क्लिनिक्स की हमने बात करी, पर हमने कोई बजटरी प्रोविजन ही नहीं किया एक रुपए का। हमने ये सोच लिया कि दानदाता देंगे और हम कर देंगे, कैसे वर्क करेगा? दिल्ली के अंदर 100% बजटेड है ये मोहल्ला क्लिनिक्स, इसके अंदर हमने गाइडलाइन की बात करी है, तो बहुत सोच समझ के हमें कहना पड़ेगा। लास्ट में मैं बोलना चाहूंगी 2 पॉइंट्स पे, निशुल्क दवा योजना, ये इट वाज अ बहुत बढ़िया योजना है, क्योंकि ये तीनों लेयर्स को कवर करती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। लेकिन ये कहेंगे कि साहब हमने ये इतनी लोकप्रिय थी तो ये बंद नहीं कर पाए, और ये कहेंगे साहब हमने बजट भी कम नहीं किया। जी बिल्कुल नहीं किया आपने, लेकिन आपने इसके ऑपरेटिव पार्ट को हिट कर दिया बड़ी चतुराई से। इसका एक कॉन्सेप्ट था ऑनलाइन एंट्री, रियल टाइम मॉनिटरिंग, एंट्री ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, 5,500 में से 4,000 कंप्यूटर ऑपरेटर्स सिर्फ स्पेशली इसके लिए डिजाइन थे, इन्होंने वो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हटा के दूसरे डिपार्टमेंट्स में भेज दिया, और पूरी की पूरी स्कीम को पैरालाइज कर दिया। प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट्स नहीं हो सकते,
30 स्टॉकआउट हो गए, फिर वही डॉक्टर्स प्राइवेट में भेज रहे हैं। इन्होंने जो सॉफ्टवेयर चेन और डिमांड एंड सप्लाई थी वो पूरी जाम करके रख दी। और मैं आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दो बोलना चाहूंगी, राइट टू हेल्थ एक्ट जो हमारी जन घोषणा पत्र में था, एंड वी नीड टू वॉक द टॉक। ये एक रिफॉर्म होगा हेल्थ सेक्टर के अंदर, और इफ समबडी कैन इम्प्लाई दिस एंड इम्प्लीमेंट दिस इफेक्टिवली, आई बिलीव द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कैन डू इट। और ये जो सामने बैठे हैं माननीय सदस्य चूरू से आए, इनको छात्र संघ का इनका कॉम्पिटिशन भी होता है, ये स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, तो मैं इनका मुझे लगता है कि राइट टू हेल्थ एक्ट अगर आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आप याद किए जाएंगे। मैन पावर हमारे पास में 1.5 लाख आशा और इन सबको मिला के 1.5 लाख है, 18,000 करीब हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, 13,000-13,500 के बीच में हमारा पैसा लगता है, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा रिसोर्स हम दे रहे हैं, आउटपुट क्या हो रहा है हम मेजर नहीं कर पा रहे। हेल्थ जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी मर्जी पे ताला लग जाता है, डॉक्टर आए तो नहीं आए। बहुत जरूरी है कि राइट टू एक्ट के अंदर हम सर्विस गारंटी दें विद बेसिक मिनिमम नीड्स, अकाउंटेबिलिटी डिसाइड होगी, डॉक्टर्स को देना पड़ेगा, एक एंटाइटलमेंट ऑफ हेल्थ मिलेगा और एक मैकेनिज्म ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल भी मिलेगा। लास्ट में मैं अपने ओसिया के क्षेत्र की 3 चीजें कहना चाहूंगी कि तिवरी पीएचसी को क्रमोन्नत करके सीएचसी में करें, इसके जो 4 पीएचसी से कवर करते हुए 80-120 लाख की जनसंख्या चाहिए, इसको ये कवर कर रहे हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, मथानिया जहां से विश्व प्रसिद्ध मिर्ची आती है, वहां पे पिछली सरकार के अंदर भी वहां की जनता और मुख्यमंत्री जी से मिली थी और एक सैटेलाइट हॉस्पिटल की वहां मांग थी। मैं आपके न्यू पीएचसीज और जो भी है उसको मैं आपको लिखित रूप में बता दूंगी, सब सेंटर्स और वो एमडीएम और इनके न्यूरो फिजिशियंस, कहीं सफाई नहीं होती, कहीं नहीं कुछ होता। आखिर में मैं बस यही कहना चाहती हूँ, देखी जो नव्स मेरी तो हंस कर बोला, देखी जो नव्स मेरी तो हंस कर बोला, हकीम तेरे मर्ज का लाज तेरे संघर्षों में है। धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।